नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के किसी एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी विवाह का मौसम चल रहा है, तमाम शादियाँ हो रही हैं, तमाम शादियों में हम भी जा रहे हैं, कार्ड आता है तो जो हमारे परिचित हैं हम भी जाते हैं, तो देखने में आया है हमारे साथ साथ बहुत सारे लोगों को कई चीज़ों से दिक्कत है, यानी कि शादियों में। तो इसी विषय पर हम सोचे एक वीडियो बनाएं, हो सकता है आप भी हमारे इस बात से सहमत हों और आप भी शादियों में जाते हों तो आपको भी दिक्कत होती हो। तो हम सभी से जो समाज में थोड़ी बहुत जो दिक्कतें हैं, बुराइयां हैं, हम सब अगर इस पर ध्यान देंगे तो लोगों को आराम होगा और लोगों के साथ साथ जो प्रकृति है, जो हमारे साथ जीव जंतु जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी काफ़ी तकलीफ हो रही है इस, अब क्या बताऊँ, उजड़ता ही बोलेंगे, जिससे तकलीफ़ हो किसी को उसको उजड़ता ही बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे भाई विवाह ऐसा चीज़ है कि शुभ मुहूर्त में ही होता है, लेकिन गर्मियों के अलावा भी शुभ मुहूर्त और महीनों में होते हैं। मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि गर्मियों में जैसे हमारे यहाँ विवाह पड़ता है, आपके यहाँ विवाह पड़ता है, किसी के यहाँ, तो लोगों को सफ़र करने में यानी जैसे यात्रा करके जो आते हैं वैसे छुट्टियाँ मनाने जाते हैं गर्मियों में, तमाम सब करते हैं, वो अलग बात हो जाती है। पर विवाह में अगर आपके यहाँ आते हैं तो आपको काफ़ी देखभाल करना पड़ता है मेहमानों का। तो मेरा तो यही मानना है कि आप विवाह अपने बेटी का बेटा का गर्मियों में ना करें, बहुत गर्मियों में ना करें। नवंबर से मार्च महीने के बीच में अगर विवाह करते हैं तो जो गर्मी से कष्ट पाते हैं मेहमान वो नहीं पाएंगे। अगर विवाह तय हो गया है तो आप गर्मियों में भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ ठंडा प्रदेश है वहाँ पर गर्मियों में भी विवाह कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो कि हमको भी ठीक नहीं लगती और हमारे साथ जो रहते हैं उनको भी ठीक नहीं, यानी हमारे आस पड़ोस में जो हमारे जानकार हैं वो भी इस मत से सहमत हैं कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जैसे कि विवाह में जो आजकल डीजे बजाते हैं, यानी कि डीजे का पूरा जो सेट आता है वो विवाह में अनिवार्य है, यानी कि जिसके यहाँ विवाह पड़े वो अनिवार्य है। जहाँ भोजन करते हैं लोग और जहाँ स्टेज पर वर वधू बैठे रहते हैं वहाँ इतना तेज़ तेज़ डीजे बजाते हैं कि आदमी का जो दिल की धड़कन होती है वो किसी किसी की रुक जाती है या तेज़ हो जाती है या काफ़ी तकलीफें, ऐसा लगता है कोई सीने पर हथौड़ा चला रहा है। तो विवाह में किसी के जाना आने के जैसे जंग में शामिल होना जैसे होता है, ना जाओ तो लोगों को बुरा लगता है, जाओ तो तमाम लोगों को तमाम दिक्कतें हैं, किसी के सिर में दर्द होता है, किसी के कोई चीज़ से परेशानी है, तो तेज़ आवाज़ भी एक प्रदूषण है जो कि वातावरण को, जीव हर जीव को, मनुष्य के साथ साथ कुत्ते बिल्ली गाय बछड़े, जब जैसे हम देखते हैं कि जब बारात निकलती है, यानी कि अधिकतर शहरों में जब से कहीं एक धर्मशाला में बर के परिवार हैं, एक धर्मशाला में वधू के परिवार हैं, या लाज है या कोई विवाह का जो मंगलम भवन है कहीं भी, तो जब बारात निकलती है तो डीजे इतना तेज़ बजाते हैं कि जो जैसे कि जिसके यहाँ गाय है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, बछड़े हैं, वो भागने लगते हैं। आप समझ सकते हो जब जीव जानवर को इतनी तकलीफ़ होती है तो मनुष्यों को कितनी तकलीफ़ होती होगी। किसी के यहाँ कोई बीमार है, किसी के यहाँ कोई तकलीफ़ में है, अब उसके अब क्या करे व्यक्ति, सुनता है। और हमारा जहाँ हम यहाँ पर बैठे हैं बगल में सड़क है, तो सड़क से जब रोड से गुजरते हैं डीजे वाले या बारात में या जुलूस में जैसे कोई भी जयंती वगैरह है तो इतना तेज़ बजाते हैं कि जो हम लोग पलंग पर लेटे रहते हैं वो पलंग पूरी हिलने लगती है। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन बात यह है कि डीजे अगर ना लगवाएं तो क्या बोलेंगे, भाई उनके यहाँ लगा था, हमारे यहाँ क्यों नहीं लगा है। जबकि हम लोगों के समय में, अब आज भी तमाम लोगों के समय जो पढ़े लिखे हैं, यानी हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं है वही डीजे बजाते, पढ़े लिखे भी लोग डीजे बजवाते हैं, लेकिन तमाम जगह में हम देखें जो शहनाई होती है उसको बजवाते हैं। और एक दिन नहीं, 15 दिन पहले, यानी कि विवाह के 15 दिन पहले शुभता के लिए सुबह शाम बजवाते हैं और लोग अपना लोकगीत गाते हैं, विवाह गाते हैं। पहले तो महीनों विवाह गाते थे चावल गेहूं बीनते समय, लेकिन अभी सब नहीं है, एक दिन ही डीजे बजा के सारा कुछ कर देते हैं। तो मैं आप लोग से बोलना चाहूँगी, अगर आप डीजे लगवाते भी हैं, बच्चे डांस करते हैं कुछ भी, बहुत मधुर आवाज़ में करें। अब एक दूसरे से कुछ कहना है तो आदमी सुन ही नहीं पाता, वहाँ पर किसी का फ़ोन आया है, किसी का कुछ है तो सुन ही नहीं पाता, इतनी तेज़ बजाते हैं कि मैं आप सभी से बोलना चाहूँगी कि आप डीजे लगवाएं, उत्सव मनाएं, विवाह का खूब खुशियाँ मनाएं, लेकिन लोगों को जिसमें तकलीफ़ हो, आपको भी ऐसे
तमाम आपके घर में भी कोई बीमार है, कोई दिल का मरीज है, कोई स्वस्थ व्यक्ति का जब दिल धड़कने लगता है तो बीमार का क्या हाल होगा। तो इन सब चीज़ों एक कुप्रथा है, इस कुप्रथा को दूर करें, डीजे लगवाएं पर मधुर आवाज़ में लगवाएं। फिर मैं बात करती हूँ कार्ड छपवाने की। तो कार्ड भी एक होड़ है, जैसे हमारे यहाँ भी कई लोगों का कार्ड आता है, मैं देखती हूँ काफ़ी वजन, यानी कि इतना वजन, मैं बोलती पूरा फाइल है ये, है क्या, उसको देखते हैं तो भाई अब जो लिखा है विवाह का वो तो साधारण सिंपल से पीले कार्ड में, लाल कार्ड में, किसी भी कार्ड में, पहले तो सफ़ेद ही रहता था कार्ड, उसमें हल्दी लगा के दे देते थे, अक्षर डाल के दे देते थे, बस आपका संदेश आपके प्रियजनों तक पहुंचना चाहिए। क्या ज़रूरत है 500 का कार्ड छपवाने का। मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास बहुत धन है, हम ऐसा नहीं कहते कि आपके पास धन है तो आप खर्च न करें, पर आप जो कार्ड देते हैं उसका महत्व तो तभी तक है जब तक हम निमंत्रण में शामिल ना हों। शामिल हो गए उसके बाद उसको पेपर के साथ रद्दी में फेंक देते हैं, कोई मतलब नहीं है, यहाँ वहाँ फेंकाता रहता है। अपने बेटी का या बेटा का जब विवाह करते हैं तो हमारे में ये होड़ रहता है कि हमारे पड़ोसी अपने बेटी का विवाह किए, अपने बिटिया का विवाह किए थे या बेटे का विवाह करे थे, तो वो जितना किए थे हम उससे ज़्यादा करेंगे, या हमारे भाई या हमारे रिश्तेदारी में कोई भी, आज तक की जितनी शादियाँ हुई हैं उन सबसे ज़्यादा हम अच्छी शादी करेंगे। खाने की व्यवस्था, मंडप का व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था बहुत अच्छा करेंगे। चाहे उसके लिए आप लोन ही क्यों न लें, लोन लेंगे और जो आभूषण होंगे उनको मतलब बेच देंगे, कुछ भी करेंगे पर दिखावे के लिए करेंगे। मैं तो बोलती हूँ कि आप जो चीज़ें, इन चीज़ों में जो खर्च करते हैं, जैसे मैं कार्ड के लिए बोली, कार्ड के जो आप कार्ड में 300-400 कार्ड में लगाते हो, वो पैसे आप इकट्ठा करके या जहाँ जहाँ आपको लगता है कि धन अपव्यय हो रहा है, जहाँ मेरे हिसाब से भाई, तो वो पैसा आप अपनी बेटी के नाम जमा कर दें। मेरा ये मानना है आपकी बेटी कहीं भी लखपति करोड़पति कहीं भी जा रही है, कहीं भी कुछ भी है, अगर ऐसा है कि बहुत ही पैसे वाले हैं तो आप गरीबों में दान कर सकते हैं। अब जैसा कि अंबानी जी की देखिए अभी शादी हुई थी, हम लोग भी देखे, हमको बहुत अच्छा लगा। तो एक संस्था है वहाँ पर जाके उन्होंने 2-3 दिन रह के उन संस्था वालों का सेवा किए, ये होता है सच्चा दान या सच्चा सेवा, वो कोई दिखावा नहीं है। आप ऐसे जगहों से संस्थानों में भी दान कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत धन है, लक्ष्मीवान है तो। लेकिन इन सब चीज़ों में, जैसे तमाम जगहों में हम देखे हैं कि जो जहाँ विवाह होता है तो उस मंडप को काफ़ी फूलों से, ताज़ा फूलों से सजाते हैं। एक जगह हम विवाह में गई तो हमको लगा कि यूं ही ऐसे प्लास्टिक के फूल होंगे, तो मैं ऐसे देखी तो काफ़ी नरम लगे, सुगंधित, तो मैं बोली तो ताज़े फूल हैं। तो वो बोले कि भाई हाँ, ये 1000 फूलों से मंडप को सजाया गया है, और उस मंडप को किसी ने नहीं देखा, यानी किसी ने ये नहीं जान पाया कि ताज़ा फूल है कि प्लास्टिक का फूल है कि क्या है। लेकिन उन्होंने बहुत गर्व से बताया कि 1000 फूलों से मंडप को सजाया गया है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने फूलों से मंडप को सजाए हैं, या कितने महंगे आप डीजे को बजवा रहे हैं, या जहाँ पर आप बेटी बेटा जो वर वधू हैं वहाँ पर खड़े हैं, आप कितने महंगा स्टेज सजाए हैं। मैं देखती हूँ कि हाँ, मैं भी जैसे जाती हूँ तो किसी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक कि वर वधू बैठे हैं उनको भी कोई ठीक से नहीं देखता है, अपना गए जो भी कुछ गिफ्ट वगैरह हुआ दिए, भोजन किए और निकले। कोई बस अगर ज़्यादा ही आप सजावट किए हो तो थोड़ा बहुत कोई बोल दिया कि हाँ अच्छी सजावट थी, किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो आप अपने धन को इस तरह से अपव्यय ना करें, जैसा कि मैं बताई कि 1000 फूलों से मंडप सजाए, तो आप कुछ गेंदे के माला बना के भी मंडप में सजा सकते हैं, कर सकते हैं कोई, लेकिन दिखावा है ये, हम कुछ दिखावा मानते हैं। उसके अलावा अब मैं खाने पर आऊँगी, जैसे कि खाना जो बनवाते हैं, पहली बात ये कि जैसे आपका क्या क्या बनवाने का मूड है आप बताते हैं हलवाई को, या जो कारीगर है बनाते हैं, ठेकेदार जो खाना बनाते हैं उनको बताते हैं आप। तो मेरा ये मानना है कि आप गर्मियों में विशेषकर ऐसा भोजन बनवाएं जिसमें तेल मसाला मिर्च कम से कम हो, ठंड भी है तो ठंड के अनुसार बनाएं, लेकिन मिर्च मसाला कम ही डालें। जैसे कि खाना खाने हम लोग जाते हैं तो आप ढूंढते रह जाओ, रोटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, अरे चलो तंदूरी रोटी ही सही, लेकिन तंदूरी रोटी भी बनवा दे, कभी भी मसाला पूरी जो बनवाते हैं सब चीज़ें खा के काफ़ी कच्ची ढिकार, गला में जलन, पेट में जलन, सीने में जलन। मेरा तो यही मानना है कि आप जो आइटम बनवाते हैं वो कम से कम बनवाएं। आप ये मत देखें कि आप किसी के यहाँ गए थे तो इतना आइटम था तो उसे एक दो ज़्यादा ही बनवाएंगे। मैं बोलती हूँ आप किसी को मत देखें कि वो कितना बनवाया था। मैं तो आपसे बोलूँगी कि जो
जो चावल होते हैं उसको भी फ्राई ना करें। फिर भी थोड़ा सा अगर फ्राई भी कर रहे हैं तो सादे चावल को भी रखें। जैसे स्टॉल है तो कढ़ी के साथ चावल, चावल कढ़ी, सादा चावल बनवाएं, सब लोग बहुत पसंद करेंगे। और मैं बताती हूँ कि 95% लोग खाने में परहेज करते हैं, नहीं खाना चाहते ये आपकी मसाले वाली पूरी, ये जो भरुआ मसाला ये सब बनाते हैं, नहीं खाना चाहते, पर जाते हैं तो वही चीज़ें रहती हैं, वो एक दिन खा लेते हैं और 6 दिन बीमार रहते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कम खर्च में और आइटम भी कम बनवाएं। आप भले कहीं जैसे गए तो आपको बहुत सारे आइटम मिले, और जो हमारे मेहमान आते हैं उनको भी लगता है कि थोड़ा थोड़ा सब लेना ही चाहिए, भले उनको ना पसंद हो ले लेंगे, भले थोड़ा थोड़ा चखें और फिर रख देंगे थाली। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी का 56 भोग लगता था, 56 भोग रहेगा, ले लेंगे सब भले ना खाएं। ये भी अपव्यय माना जाता है, ये भी अन्न का, भोजन का अपमान माना जाता है। तमाम ऐसे लोग हैं जो कि बिना भोजन खाए सो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी जिनके यहाँ शादी है, आप इतना आइटम बनवाएँ ही ना, कढ़ी चावल बनवाएं, लिट्टी चोखा बनवाएं, जो कि सभी पसंद करेंगे और किसी को नुकसान नहीं करेगा। ये सब ताज़ा भोजन और देसी भोजन है। लिट्टी चोखा बनवाएं, जो जैसे हम शादियों में जाते हैं तो हलवा लेते हैं, तो इतना घी रहता है, हलवा में घी रहता ही है, तो आप हलवा बनवाएं ही ना। मैं सभी से बोलूँगी कि आप विशेषकर गर्मियों में दूध की बनी चीज़ें, यानी दूध से बने मिष्ठान बनवाएं। जैसे खीर, खीर में क्या बुराई है, हम कहीं नहीं देखते कि कहीं ही शादियों में खीर बनती हो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। खीर है, सेवई है, रबड़ी है, रसमलाई है, ये दूध की चीज़ें किसी को नुकसान नहीं करेंगी। या जिसको गैस्ट्रिक वगैरह है तो वो थोड़ा बहुत खाएंगे, नहीं नुकसान करेगी। तो मैं आपको बता रही हूँ ज़्यादा आइटम ना बनवाएं। कढ़ी चावल गर्मियों में, परवल की कम तेल कम मसाले वाले सब्ज़ी, यानी जो कारीगर हैं उनको आप विधिवत बताएं कि भले ही कहीं भी कोई भी कुछ भी बनवाता हो, लेकिन हम तो ऐसे ही भोजन बनवाएंगे, भले लोग बुराई करें, आपकी कोई बुराई नहीं करेगा, आप ऐसा करके देखें। दूध की चीज़ें बनवाएं, जो हलवा वगैरह है और जो भी तमाम चीज़ें तेल की होती हैं उसको ना बनवाएं। गर्मी में आप ठंडे चीज़ रखें, ठंडे चीज़ों में ठंडई, नींबू पानी, नींबू का शरबत, लस्सी, मट्ठा, ये चीज़ें रखें, इसको भी काफ़ी लोग पसंद करेंगे। और किसी को कुछ भी, जैसे कि कहावत है कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीते, पर आप मट्ठा पी सकते हैं, मट्ठा से खाना आपका पच जाता है। मट्ठा रखें, वो भी मसाले वाला मट्ठा, मसाले वाला मट्ठा मतलब कि काला नमक और जीरा, उसी को मसाला, बाकी नहीं कि अब पता नहीं क्या क्या उसमें डालें। विवाह में पहनने वाला कपड़ा है तो उसका अभी आप सुनोगे प्राइस तो बोलोगे कि इतना काफ़ी महंगा है, वो सिर्फ एक दिन पहना जाता है, उसके बाद वो पड़ा रहता है। तो ये भी व्यवस्था अच्छी है कि जो किराए में आता है, कितना भी महंगा रहता है आप किराए में उसको ले लो, आप पहनो, तमाम और लोग पहन लेते हैं। इतना महंगा जो वस्त्र, जैसे लहंगा है, कुछ भी चीज़ है जो पहनती हैं बच्चियाँ जयमाल के समय कुछ भी, तो उसको लेकर आप वापस कर सकते हो दोबारा, काफ़ी महंगा। इन चीज़ों में धन लगाने से कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से जो लड़के लोग भी पहनते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो एक दिन ही पहनते हैं, एक दिन पहनने के बाद वो कहीं ऐसे पड़ा रहता है। तो इन चीज़ों में मैं क्या कहती हूँ, आप अच्छा कपड़ा लें सब, लेकिन इतने महंगे ना लें। आजकल क्या होता है कि इन सब चीज़ों में ज़्यादा हम ध्यान देते हैं कि ये सजावट, वो फलाना है, ये है, लेकिन जो शादी का मुख्य चीज़ होता है वो चीज़ नहीं होता है। जैसे 16 संस्कार में, बाकी संस्कार करें ना करें, लेकिन जन्म के समय जो संस्कार होता है वो, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार, अगर ये 3 संस्कार सही तरीके से कर लिए जाएं तो जीवन सफल हो जाता है। अगर जन्म के समय संस्कार नहीं किया गया तो जब तक विवाह नहीं होता वो जातक परेशान रहता है, यानी अच्छे तरीके से जो नहीं किया जाता, विवाह संस्कार अगर अच्छे से नहीं किया गया तो जीवन पर्यंत परेशानी होती है। अब अगर मृत्यु संस्कार अच्छे से नहीं किया गया तो आत्मा को शांति नहीं मिलती, यानी अगला जन्म होने पर या न होने पर भटकना, ये सब होता है। तो ये 3 संस्कार बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, जिसमें विवाह संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि विवाह जो संस्कार होता है उसको न करके, यानी वो किसी तरह से भी पंडित जी या 9 जो भी कह रहे हैं कर रहे हैं, बाकी इसमें ध्यान है कि लहंगा कितने का हो, शेरवानी कितने का हो, मंडप में फूल कितने का लगेगा, हर्ष बाँस जो गढ़ता है उसका दीपक बुझ गया कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें, फूल इतना लगना चाहिए, वो ये सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान है। उसी प्रकार से आजकल के बच्चे भी काफ़ी एडवांस हो गए हैं टीवी मोबाइल सब देख के, कि ससुराल में जैसे जाते हैं तो साली लोग जूता चुराएंगे, तो उनके लिए अपने से व्यवस्था करके रखे रहेंगे कि हाँ वहाँ पर
प्रभाव डालने के लिए कि साली लोग जूता लेंगे तो हमको इतना हज़ार देना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नेग होता है, जैसे आप जूता चुराए। अब मैं उन सब सालियों को सबको भी बोलूँगी कि ये सब नेग होता है, शुभता मानी गई है। कभी ये शुरू हुआ और फिर उसको करने लगा व्यक्ति, तो जूता आप रख लिए फिर कुछ भी नेग, यानी 11 रुपया से शुरू करके 1100 तक आप दे लो, ठीक है। ये सब हंसी मजाक चलता रहता है। आजकल के चलन में तमाम देखने में आया है जो विवाह का शूटिंग होता है वो भी ठीक है, लेकिन आजकल प्री वेडिंग आया है कि वो क्रेन पर वो लड़के लड़की को चढ़ा के फिर उसमें कमल निकलता है, फिर उसमें लड़के लड़की निकलते हैं। कई दुर्घटनाएं भी हो गई हैं, क्रेन टूट गई है, कई ऐसे आग में से निकलते दिखाते हैं। तो ये सब चोचलेबाजी है, धन का अपव्यय है। और कई लोग तो इसलिए कराते हैं कि वो अपने दोस्त के विवाह में गए थे तो उनके यहाँ ऐसा हुआ था, तो माँ बाप के ऊपर दबाव डाल के कि उनके यहाँ ऐसा हुआ था इसलिए हम भी वैसा ही कराएंगे, भले ही दोस्त से या बैंक से या कहीं से भी लोन लें, उधार लें, लेकिन उनको कराएंगे भी। और भले ही विवाह के बाद इसके लिए लड़ाइयाँ हों कि भाई इतना पैसा क्यों खर्च हो गया, क्यों नहीं होना था, कहाँ नहीं होना था, तो आप विवाह से पहले अपना बजट बनाएं। और ये जो बेकार की चीज़ें हैं, विवाह का मतलब होता है संस्कार, विवाह संस्कार, कहीं विवाह संस्कार में ये चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं जो आप सब करते हो, बिल्कुल नहीं। जो विवाह में किया जाता है विवाह के समय आप वही करें, ये सब संस्कार जो आधुनिक चीज़ें हैं ये सब नहीं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको विवाह में करना क्या क्या है। इससे पहले हम थोड़ा बहुत कलश, जो कि विवाह कलश होता है, आजकल वो सब बनाते ही नहीं, विवाह कलश का आप वीडियो सर्च करें उसको देखें, और तमाम वीडियो हम और डाले हैं कि बेटी विवाह के बाद जाए तो क्या करे ससुराल में, और विवाह का वर्षगांठ कैसे मनाएं, आप सर्च करके देखें आसान ज़िंदगी में। और थोड़ा बहुत मैं और बता दे रही हूँ कि विवाह में जो हिंदू रीति रिवाज से शादी होती है वो पूरे भारत में या भारत से बाहर कहीं भी कोई रहता है तो उसी रीति रिवाज के तहत होता है, थोड़ा थोड़ा बदलाव कहीं कहीं पर होता है। जैसे कि विवाह का सबसे महत्वपूर्ण पहला काम होता है माटी मांगर, यानी तेल चढ़ाना, तेल जो दूबी में लगा के चूमते हैं वो चीज़ करना। और विवाह से संबंधित जो उपद्रव फैलाने वाले ग्रह होते हैं वो होते हैं शनि और मंगल, तो इनको शांत करने के लिए, जो मैं पिछला वीडियो दी हूँ उसमें बताई हूँ कि इनको शांत करने के लिए ही प्रथम दिन जो तेल चढ़ता है जिसमें हर्ष बाँस गढ़ता है, उसमें भी पिछले वीडियो में बताए हैं, तो तेल को उतारा करके, यानी वर या वधू के ऊपर से उतार के तेल और गुड़, तेल होता है शनि और गुड़ होता है मंगल, इन दोनों ग्रहों को शांत करने के लिए ही तेल और गुड़ का उतारा करके पूरे गांव में बांटा जाता था। यानी घर का कोई एक, घर की जो जिम्मेदार महिला होती थी वो बैठ जाती थी तो बड़ा सा टोकरा में गुड़ और बड़ा सा टीना में तेल रखे रहती थी, तो सबको देती थी। पर आज ये कहीं भी नहीं होता, कहीं भी होता ही नहीं है, जबकि विवाह का सबसे महत्वपूर्ण पहला चीज़ यही होता है माटी मांगर, जो कि होता ही नहीं है। और जैसे कि हमारे रिश्तेदार क्या है, पहले गांव में होता था, रिश्तेदारों में क्या हो गया, सब दूर दूर रहने लगे, तो वो आते हैं तो उनको, जैसे आए भी तो हम उनको नहीं देते। तो मैं यही बोलूँगी, जैसे आपके सब रिश्तेदार इकट्ठा हुए तो आप सबको अगर अलग अलग से, जैसे कि कटोरियों में तेल देते थे तो उसमें नहीं दे सकते, तो छोटा छोटा सा 200-200 ग्राम के जो बाटल आते हैं सरसों के तेल के, आप उनको लें और 2-4 टुकड़ा गुड़, यानी भेली बोलते हैं, गुड़ लें पन्नी में बांध के उन सभी रिश्तेदारों को दें। तो ऐसा नहीं है कि जो लेगा उसका नुकसान होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत शुभ चीज़ होता है। पर विवाह के अवसर पर गुड़ और तेल बांटा ही जाता है, और जितना ज़्यादा मात्रा में हो सके उतना ज़्यादा बांटें। अगर कोई नहीं तो गरीबों को बांट दें, मंदिर में दे दें। पिछले एपिसोड में बताई हूँ कि बजरंग बली जी के मंदिर में या शनि जी के मंदिर में भी ये तेल और गुड़ दे सकते हैं। तो सबसे पहला ये, और सबसे विवाह का जो अंत का होता है, समापन का, वो होता है चौथ पूजा, जिसमें चौथी छोड़ाना बोलते हैं, या जो बहन के जैसे शादी किए हैं तो भाई लोग चौथी लेकर जाते हैं, या दुल्हन आई है तो उनके भाई लोग चौथी लेकर आते हैं, सबसे समापन पूजा वही होता है, जिसमें जो कन्या है यानी जो बेटी है जो फेरा लेती है जिस पियरी में, उस पियरी को उतरवा के रख लेते हैं, चौथी छुड़ाने के समय उस सारे पूजा के डलिया में उस पियरी को भी रख लेते हैं। और जिस दिन, यानी जिस दिन माटी मांगर होता है, उस दिन जिस जिस देव स्थानों पर जाके, जैसे कुआं, तालाब, जहाँ जहाँ जाके पूजा किया जाता है, चौथी में वहीं वहीं जाके फिर से उन्हीं देवी देवताओं से आशीर्वाद लिया जाता है। यानी वो पियरी को दिखा के, यानी वो कन्या को माना जाता है कि कन्या का स्वरूप है,
उसको दिखा के आशीर्वाद माना जाता है। फिर उस पियरी को भाइयों को दे दिया जाता है कि चौथी के समय यानी कि जब चौथी ले जाते हैं तो कुछ श्रृंगार का सामान, कुछ मिठाइयाँ, सासू माँ के लिए कुछ कपड़े, श्रृंगार का सामान, ये सब भेजा जाता है। तो ये है समापन। और इसके बीच का जो पूजा होता है वो बहुत महत्वपूर्ण पूजा होता है, जो पिछले एपिसोड में भी मैं आपको बताई हूँ, आप उसको भी सर्च करके देखें। तो मैं आपको बता रही हूँ विवाह के बारे में जो हमारी राय है, जो हमारे साथ कुछ लोग हैं उनकी राय है, वो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। तो विवाह ऐसा एक संस्कार है, जैसे कि कहावत है कि केला का जो पौधा होता है अपने जीवन में एक बार ही फल देता है, उसी तरीके से विवाह संस्कार या कोई भी संस्कार जो होता है वो सिर्फ एक बार ही होता है। उसमें अगर कोई त्रुटि होती है तो जीवन में सुधारा नहीं जा सकता। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इन सब चीज़ों को जो दिखावा है उसको न करके विवाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज से या जिस भी आप कल्चर में हैं उस रीति रिवाज से पूरी तरह उसमें ध्यान दें, न कि दिखावा में। लोन लेकर कोई भी दिखावा ना करें, अपने बेटी या बेटे के नाम से उस पैसे को रखें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि विवाह में आप कहाँ कहाँ पैसा कितना खर्च करें। वैसे ज़रूरी नहीं कि जो मैं आपको बता रही हूँ तो आप उस ज़रूरी है कि आप वही करें, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोगों का ऐसा ख्वाब होता है, ऐसा उनको जीवन में लगता है कि उनका विवाह का सबसे बड़ा सपना है। उनके माँ बाप का भी लगता है, उनके मम्मी पापा का भी लगता है कि विवाह एक बहुत बड़ा उत्सव है, वो मनाते भी हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये बोली हूँ कि गलत तरीके से गलत जगहों में पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। जैसे कि भारत में बहुत सारे मिडिल क्लास लोग ही हैं जो कि दबाव में आके और वो क्या कहेगा करके इसमें आके पैसा को, तमाम लोगों को मैं देखती हूँ कि अपने जो खेत बाड़ी रहता है उसको भी बेच देते हैं, गहन रख देते हैं कि बाद में छुड़ा लेंगे, या जो महिलाओं का आभूषण रहता है उसको बेच देते हैं। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी समझदार हो गए हैं और इन बातों को समझते हैं। जो बेटियां हैं, जो बेटे हैं, वो सब ही अपने माता पिता को ये समझाएं कि ये करना गलत है, दिखावा ना करें। आपके एजुकेशन में, आपके भविष्य के लिए और जो माता पिता हैं उनके लिए बोलूँगी कि आप अपने लिए धन को रखें। मैं आपसे कई बार बता रही हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कितना खर्च किए हो। लोग आते हैं आप क्योंकि उनको बुलाए रहते हैं, आप उनके यहाँ गए रहते हैं तो उनको आना पड़ता है। और इतना व्यस्ततम जीवन में किसी को कोई बड़ाई करने का कोई ना शौक है ना कोई बड़ाई करता है। आप किए थे, आपका शौक था, आपका धन खर्चा हुआ या आपके ऊपर भार गया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना खर्च किए, क्या किए। एक दो बार बोल दिए कि हाँ ठीक व्यवस्था थी। इस ठीक व्यवस्था के कारण आपके पूरे जीवन का जमा पूंजी सब निकल जाता है। हाँ, उनकी बात अलग है जिनके पास बहुत पैसा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तमाम कम से कम 90% लोगों को ऐसा ही देखी हूँ कि वो विवाह के बाद पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। कभी कभी जैसे तीन बच्चियाँ हैं, चार बच्चियाँ हैं, तो वो बेचारे भी सोचते हैं कि हाँ कम से कम खाने पीने की अच्छी व्यवस्था रहे, भले बेटी को कुछ ना दें, नगद कुछ ना दें। मैं बोलती हूँ कि आप मत करो खाने पीने की व्यवस्था, आप बेटी को कुछ दे दो। अगर आपके पास तीन बेटियां, चार बेटियां हैं, जो भी है, आप जितना भी उनके ऊपर खर्चा करने का आपका है व्यवस्था, आप उससे भी कम खर्चा करो, बचा लो खाने पीने में। लोगों को पता है कि भाई नहीं है, आपके पास नहीं रहेगा, आप किसी से उधार मांगोगे या कुछ भी करोगे तो बहुत बेइज्जती की बात है। इसलिए आप अपना बचा के रखो और अपने बेटियों को नगद पैसा दे दो या अपने पास ही रख लो, कभी उनको ज़रूरत पड़ती है तो। मेरा ये मानना है, ऐसा अनुभव है। तो इन चीज़ों में अपव्यय न करो और जिनके पास धन है उनको भी बोलूँगी और इसी विषय में आगे भी मैं आपको वीडियो दूँगी, ऐसे ही वीडियो जो भी आगे खाने पीने का वीडियो दूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।